प्रातः क्लास चल रहा था 22 जून 1968 शनिवार को, चौथे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। बैगर टू प्रिंस बनते हैं तो जरूर पूरा बैगर बनना पड़ेगा। ये देह भी याद नहीं आए, जो शरीर भी याद ना आए तो फिर कहा जाता है पूरा बैगर, यानी आत्मा को शरीर भी नहीं, क्योंकि ये छी छी शरीर है ना, ऐसे तो नहीं है कि ये गुल गुल है। और जब वो गुल गुल हो तब कोई बैगर बनने का है, नहीं छी छी शरीर है तो शरीर को भी याद करना नहीं, अर्थात जीते जी मरना है। पर तो ऐसे नहीं कि सोते सोते ही पड़ जाना है, नहीं, ये बुद्धि में रहना है कि अब हमको ये शरीर छोड़ घर जाना है, हम तो आत्मा है घर के रहने वाले हैं, अपने घर को भूल गए थे। अभी बाबा ने आ करके बताया, जबकि नाटक भी पूरा होता है। तुम्हारा ये कपड़ा बिल्कुल जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप समझते हैं, और तुम बच्चे भी समझते हो, जैसा बाप समझाते हैं कि तुम सभी वानप्रस्थी हो, छोटे हो बड़े हो, जो भी तुम यहां हो, सारे विश्व में जो कुछ भी तुम सब मनुष्य हो, तुम्हारे सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि अभी मैं आया हुआ हूं सबको वाणी से परे स्थान में, सब बच्चों को, आत्माओं को वाणी से परे स्थान में ले जाने के लिए आया हुआ हूं। तो तुम सभी वानप्रस्थी हो ना, वो तो वानप्रस्थी अभी कहते हैं अपन को, परंतु वाणी से परे धाम में जा तो नहीं सकते हैं ना, कोई भी नहीं जा सकते, नहीं, अभी तो मैं आया हुआ हूं क्योंकि बेहद का बादशाह हूं ना, वानप्रस्था में ले जाने वाला हूं। तो तुम बच्चे ये जानते हो और अच्छी तरह से जानते हो कि ये तो बहुत अच्छा है, वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए इतनी भक्ति करते करते तुम मत्था मारते मारते तुम्हारा माथा खराब हो गया, एकदम पत्थर बुद्धि बन गए। बाईस जून 1968 की प्रातः क्लास का पांचवा पेज, तीसरी लाइन। ऐसे पत्थर बुद्धि बन गए तो क्या कहेंगे, भक्ति के लिए पुरुषार्थ क्या करते हो,
क्या पुरुषार्थ कहा जाए, या वानप्रस्थ जाने के लिए उसको कहा वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता है उनको। अभी तो बाप कहते हैं कि छोटे मोटे बड़े एकदम हम हो तुम हो, सब बच्चों को सिखलाते हैं कि वानप्रस्थ में कैसे जाना होता है। समझाओ कि तुम लोग नहीं जानते हो वानप्रस्थ में जाने के लिए, तुमको अक्षर का भी अर्थ का भी नहीं मालूम है, बस नाम प्रश्न है, नाम पड़ा हुआ है वानप्रस्थि, इसलिए बस जाके गुरु करते हैं बस, और क्या। अभी तुमको मालूम है कि वानप्रस्थि अर्थात वाणी से परे हो जाना, उस स्थान को कहा जाता है वाणी से परे धाम, जिसके जाने के लिए कलयुग से लेकर के ये द्वापर से लेकर के इस समय तक लौकिक गुरुओं द्वारा तुमने पुरुषार्थ किया है भक्ति का, तभी तो वानप्रस्थी कहलाते हैं ना। सो भी मुड्डे भी ऐसे कहते हैं। अभी खुद बाप आते हैं बोलते हैं तुम छोटे बड़े बच्चियां जो भी छोटे बड़े हो ये सब अभी वानप्रस्थी हैं, ऐसे तो भले लड़ाइयां बहुत हुई है जिनमें बच्चे बच्चे बहुत उम्र पड़ते हैं, अर्थ के होती है, असल में कोई वानप्रस्थ वाणी से परे वापस जाता नहीं है, चाहे अर्थ के हो चाहे कुछ हुई, ये एक ही समय है कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, जिसे कहते हैं संगम, जो मैं तुमको घर ले चलने के लिए आया हूं और साथ साथ तुम्हारी सच्ची वानप्रस्थ अवस्था है और सात बच्चों की है। अभी वानप्रस्थ अवस्था किसका कामन अक्षर है? अरे पर मुक्ति, मुक्ति के लिए तो इतनी भक्ति करते रहते हैं, और बाबा कितना आकर के पाई का आकर के पाई पैसे का ज्ञान सुनाई देते हैं। भाई मुक्ति, मुक्ति तुम सब बच्चों को, जो भी छोटे हैं बड़े हैं सबको मुक्ति मिलनी है। अरे गर्भ में पड़ा होगा ना, उसके लिए भी कहेंगे वानप्रस्थ अवस्था है, छोटा बेबी है इतना है छोटी सी, उनकी भी वानप्रस्थ अवस्था, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि अच्छी तरह से ये विनाश में छोटे मोटे बड़े ये इतने सभी खत्म हो जाएंगे, शरीर सबके खलास हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सच सच तुम जानते हो कि अभी सच्चम सच हम घर जाएंगे, उसका नाम ही है सत्यधाम। तो देखो बाप आते हैं सबको घर ले जाने के लिए,
तो घर जाने के लिए तो बहुत खुशी होनी चाहिए। इतना मत्था आधा कल्प भक्ति का मारा, कोई भी घर तो नहीं गया ना, तो फिर मत्था क्यों मारते हैं? क्योंकि यहां उनको दुख भासता है, इसलिए घर जाना चाहते हैं। अब कोई जाए तो नहीं सकते, जाने की किसी को अकल ही नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मत्था मारते मारते बेचारे शरीर छोड़ करके चले गए, कितने चले गए, और जाकर के दूसरा जन्म लिया। फिर भी जन्म भी तो इसी दुनिया में लेते हैं ना। कोई वानप्रस्थ अवस्था उस घर की बरी है, घर का दीदार भी नहीं कभी किया। तो अभी बच्चे ये जानते हैं कि हम उस स्वीट साइलेंस होम में जाते हैं, हम आत्मा को वहां साइलेंस शांति चाहिए। अभी शांति कितने समय के लिए तुमको चाहिए? और शांति यहां इस दुनिया में कोई थोड़े ही होती है, या तो तुम पार्ट बजाते हो और ये शरीर की कर्म इंद्रियों से पार्ट बजाते हुए कोई यहां शांत थोड़े ही रह सकते हैं। तो विचारों को किसी को भी शांति दाम का पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को शांति दाम का पूरा पता है। अरे इतना तो जादूगर है ना, आधा कल्प गुरुओं ने बड़ी मेहनत कराई और खुद भी मेहनत की, मत्था टेका, ये किया वो किया, कुछ भी नहीं पाया बरा, और ये नीचे गिरते गए, अशांत होते गए। शांति के बदले में और ये अशांति में चलते गए। अभी तुम बच्चों को तो कितनी खुशी होनी चाहिए जो शांति घर के मालिक बनते हो। शांति घर का मालिक है ही ना बच्चे, सुखधाम का तो मालिक नहीं है ना। अभी सुखधाम है ही कहाँ बच्चे, शांति धाम का घर का मालिक ही आते हैं, हमको ले जाते हैं, क्योंकि फिर तुमको सुखधाम भी जाना है, उसके लिए फिर पढ़ते रहते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ते हैं। तो तुम्हारी तो बुद्धि में होना है ना कि अरे ये जो भक्ति में याद करते थे निर्वाण धाम में जाने के लिए, हाँ, दुख दर्दों से मुक्ति के लिए कोई भक्ति कभी भी कोई ने ऐसा नहीं किया है जो मुक्ति पाई हो, और दिन में याद रख कर करके हम सुखधाम में चले जाए, कोई भी नहीं जाए, नहीं बिल्कुल नहीं, सब वानप्रस्थ अवस्था। देखो वानप्रस्थ अवस्था के लिए, वाणी से परे स्थान में जाने के लिए ऐसे तो कभी नहीं कहते हैं कि हम सुखधाम में जाने के लिए वानप्रस्थ करते हैं या वानप्रस्थ लेते हैं, नहीं। तुम जानते हो सिर्फ सुखधाम के लिए हम वाणी से परे स्थान में जरूर जाएंगे, और बाबा हमको, भगवान हमको प्रॉमिस करते हैं। देखो
हे बच्चे, ये सभी बेहद के बच्चे हो ना, मैं गारंटी करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, तुम सबको अपने घर ले चलूंगा। कोई भी इस दुनिया में बाकी नहीं बचेगा है जिसके लिए तुम आधा कल भक्ति मार्ग की मेहनत की है, मैं तो गारंटी करता हूं, इस बात की गारंटी करता हूं कि अगर तुम श्रीमत पर चलेंगे तो ले जरूर चलेंगे। 22 जून 1968 की प्रातः क्लास का छठा पेज। अगर न भी मेरी मत पर चलेंगे तो भी जरूर जरूर शांति धाम ले चलेंगे, सजाएं खा खा करके जाएंगे, क्योंकि मेहनत तो नहीं करते हैं ना, तो सजाएं खा करके शांति धाम में जरूर चलेंगे। कोई चलना चाहे या ना चलना चाहे, जाना तो पड़ेगा, समझा ना, कि शांति धाम तो है, मौत आने का जरूर है। तो सब तो सुने तो तब ही तो जाएंगे, तो बोलेंगे मौत तो कौन पसंद करता है, फिर भी बोलता है, अरे तुम पसंद करो या न करो या कुछ भी करो, तुमको यहां से मैं आया हूं, तुम सब को ले चलूंगा, जबरदस्ती भी ले चलूंगा, हिसाब किताब चुकतू कराए करके तुमको ले चलना जरूर है। और ये भी समझते हो कि बरोबर जब सतयुग में है हम तो सभी वाणी से परे शांति धाम में, वहां शांति भी है सुख भी है, ये भी अभी तुमको मालूम है अच्छी तरह से कि वो आया है तो छोड़ेगा तो एक को भी नहीं, सबको ले चलेंगे। कोशिश करते हैं जाने के लिए, ये बोलता है नहीं चलेंगे तो सजाएं दे करके तुमको मारपीट करके भी, जैसे बच्चों को देखो सजा देनी होती है ना, बच्चा अच्छा नहीं चलता है तो सजा देते हैं, तो तुमको मारपीट खिलाए करके तुमको हम शांति धाम में जरूर ले चलेंगे, सजाएं खिला करके भी, क्योंकि ड्रामा में पार्टी ही तुम्हारा ऐसा है, नहीं सुधरते हो तो इसलिए अपनी कमाई कर करके फिर चलो तो अच्छी बात है, कमाई करने से ऐसे चलने से फिर कुछ तुम पारा पद भी ऊंचा हो जाएगा, तो देखते हो ना अच्छी तरह से देखते हो कि बरोबर जो पढ़ते हैं अच्छी तरह से नंबरवार आते हैं, पीछे जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब आते होंगे, तो बेचारा वो क्या सुख पाए सकते हैं, एक जन्म का सुख जीवन मुक्ति बाकी। इसलिए बाप सबको कहते हैं कि जाना है जरूर, अब तुम चाहो या ना चाहो तुमको जरूर ले जाएगा, तुम्हारे शरीर को छुड़ाए करके जलाए करके ले जाएगा। फिर कहते हैं तुम्हारे सब शरीरों को एकदम
है, वो एटम बम फटेगा ना, तो एकदम जलाए करके, आग लगाए करके भी सब आत्माओं को जरूर ले चलेगा। क्योंकि होलिका जो तुम बनाते हो ना भक्ति मार्ग में यादगार मनाते हो, तो दिखलाते हैं ना, तो के यही दिखलाते हैं कि सब आग में जलते हैं और आत्मा चली जाती है, वो काली हो जाती है, सड़ जाती है। तो चलो वा न चलो, समझा ना, चलना है मेरे साथ अच्छी तरह से, परंतु मेरी मत पर अगर अगर सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण नहीं बनेंगे, और अगर बनेंगे संपूर्ण नंबर बार तुमको दर्जा तो बहुत अच्छा मिलेगा। तो बच्चों को ये सभी ज्ञान बुद्धि में है, समझ तो है बुद्धि में, तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। ओ